हैमर स्टिंग 3 और दोस्तों हैमर ब्रांड आपको याद ही होगा, पिछले साल शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 में हमें देखने को मिली थी और इसके अंदर शार्क अमन गुप्ता जो है उन्होंने भी इन्वेस्ट किया था। अगर मैं बात करूँ उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग की तो अराउंड 650 रुपीज़ का हमें देखने को मिल जाता है हैमर की वेबसाइट पर, और दूसरी वेबसाइट पर अराउंड 500 रुपीज़ का हमें देखने को मिल जाता है। अगर मैं ओवरऑल इसकी बात करूँ प्रोडक्ट की तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इस पर्टिकुलर प्राइसिंग में, और बाकी डिटेल में जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इसलिए सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, शेयर करते हुए आगे देखते रहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ इसी स्टिंग 3 के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। राइट दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी की, दोस्तों यहाँ पे हमें पूरी प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलती है और यहाँ पे हमें 2 मैग्नेट्स भी देखने को मिल जाती हैं। इन्हें आप इजीली कैरी भी कर सकते हैं मैग्नेट्स की मदद से। साथ ही साथ यहाँ पे हमें हैमर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, सिल्वर कलर में हमें देखने को मिलता है ये हमारा नेक बैंड। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके वेट की तो अराउंड 35 ग्राम का इसका वेट होगा, और अगर आप इसे 5-6 घंटे इजीली अपना यहाँ पे लेके चलते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बहुत ही लाइट वेट है और अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। यहाँ पे जो एयरबड्स हैं इनकी पूरी हमें मेटल बिल्ड देखने को मिलती है, प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया है यहाँ पे हैमर ने। और यहाँ पे हमें वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन और पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ चार्जिंग पोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पे माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, और वायरलेस चार्जिंग की बात करूँ तो अराउंड 2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, और 30 घंटे का बैटरी बैकअप आपको यहाँ देखने को मिल जाता है अकॉर्डिंग टू हैमर। लेकिन मेरे हिसाब से 25 आवर्स से ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। वेरे अगर मैं बात करूँ इसकी साउंड क्वालिटी की तो साउंड क्वालिटी हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिल जाती है इस पर्टिकुलर प्राइसिंग में। जहाँ 500 रुपये की प्राइसिंग में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, बहुत ही बेकार सी है ठीक ठाक साउंड क्वालिटी, बट यहाँ पे हमें जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पे आपको कोई सॉन्ग प्ले करके दिखाऊँ तो NCS का ही सॉन्ग प्ले करूँगा, लेकिन थोड़ा ऐसा सॉन्ग प्ले करूँगा जहाँ पे आपको बेस और साउंड दोनों के साथ में एक्सपीरियंस देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले इसे पावर ऑन कर लेते हैं। पावर ऑन करने के लिए बीच वाला बटन आपको थोड़ा लॉन्ग प्रेस करना है, और फिर यहाँ पे कोई आंटी जी बोलती हैं पावर ऑन, और पेयरिंग पावर ऑन हो चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें माइक्रो यूएसबी पोर्ट जो देखने को मिलता है, आप ऐसा मत समझिए कि बहुत बेकार ईयरफोन है, इस प्राइसिंग में टाइप सी नहीं मिलता है। 1-2 प्रोडक्ट्स आपको शायद मार्केट में मिल जाए लेकिन बहुत ही ज़्यादा बेकार क्वालिटी के होंगे, तो यहाँ पे जो दूसरी चीज़ें मिलनी है आपको उनका भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट नहीं देखने मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और मेन क्वालिटी बिल्ड है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे लेके चल रहे हो 5-6 घंटे तक, ज़रूर आपको प्रॉब्लम होने वाली है, वो मुझे नहीं फील हुई अभी तक। तो यहाँ पे जल्दी इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों साउंड आपने क्वालिटी देखी इसकी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, एक ऐप है हैमर का, हैमर ऑडियो कुछ करके, प्ले स्टोर पर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको कोई सा भी ईयरफोन्स हो, कोई सी ब्लूटूथ स्पीकर हो, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं उस ऐप से। उसके अंदर कोई ब्रांड की लिमिटेशन नहीं है कि हैमर का ही होना चाहिए या JBL का होना चाहिए या बोट का होना चाहिए, किसी भी कंपनी का आप उसके अंदर अपना एयरफोन या स्पीकर यूज़ कर सकते हैं। अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के बाद आप तक वो हैमर ऑडियो ऐप खोलेंगे तो वहाँ से आप इक्वलाइज़र और बेस और जितनी भी साउंड की चीज़ें होती हैं वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया वो हैमर ऑडियो ऐप, और मैं उसे अपने सारे स्पीकर्स के साथ यूज़ करता हूँ। और ओवरऑल मैं इसकी प्रोडक्ट की बात करूँ तो मुझे इस प्राइसिंग में बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है प्रोडक्ट, क्योंकि इस प्राइसिंग में दूसरी कंपनी हमें बाकी चीज़ें देती हैं लेकिन एक अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करती हैं। और एक मेन चीज़ जो इस प्राइस में दूसरी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है वो है मेक इन इंडिया या फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया। दोस्तों इसके बॉक्स के ऊपर साफ साफ मेंशन्ड है मेक इन इंडिया, कंट्री ऑफ ओरिजिन इज इंडिया, जो कि इस प्राइसिंग में जो दूसरी कंपनी से प्रोडक्ट आते हैं, अगर मैं बोल्ट की बात करूँ, बोल्ट की बात कर लूँ, फायर बोल्ट की बात कर लूँ, मेक की बात कर लूँ और ट्रूक की बात कर लूँ, या दूसरी जो कंपनीज हैं इसके सेगमेंट की, तो उनके बॉक्स में लिखा होता है कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना। यहाँ तक कि इन्फिनिटी और JBL के स्पीकर्स पे भी हमें कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना देखने को मिलता है, बट यहाँ पे हमें कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया देखने को मिलता है, तो ये देख के मुझे थोड़ी खुशी हुई।
साथ ही अगर मैं बॉक्स की बात करूँ तो बॉक्स भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और जो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है पैकेजिंग, वो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी इम्प्रूव करनी चाहिए हैमर को, क्योंकि जिस जोश में मैंने इस एयरफोन को बॉक्स से निकाला था, मुझे लगा था भाई आज तो गया, टूटा, रिव्यू करने को नहीं मिलेगा, पहले टूट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, थोड़ा संभल के बाहर आ गया ये। लेकिन अंदर की पैकेजिंग थोड़ी और सिक्योरिटी के साथ हो सकती है, और ओवरऑल ये प्रोडक्ट मुझे एवरेज लगा, क्योंकि कलर थोड़ा मुझे अपीलिंग नहीं लगा, बस थोड़ा यही प्रॉब्लम है मुझे। और एक बात मैं आपको बता दूँ, ये प्रोडक्ट मैंने खुद ख़रीदा है हैमर की वेबसाइट से, बिलिंग आपको दिखा दूंगा, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है यार, वैसे ही सब्सक्राइबर देख लो आप नीचे, इतने सब्सक्राइबर से कौन सी ब्रांड स्पॉन्सर करेगी। सो सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, देखते रहिए, और अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया तो बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर आके इसे खरीद लिए। दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में।